हेलो दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चैनल पे। तो गाइस, टाटा ने कर दी अपनी न्यू अपकमिंग कार को अनवील, जो कि है टाटा सफारी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। तो कुछ लोगों की कंफ्यूजन है कि टाटा ग्रेविटा से इतनी रिजेंबल कैसे कर रही है टाटा सफारी, जो कि एक कंसेप्ट कार थी टाटा की तरफ से 2020 ऑटो एक्सपो में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, टाटा ने उसी कार का नाम चेंज करके टाटा सफारी कर दिया है इंडियन मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। बढ़ते वीडियो में आगे। दोस्तों, बात करें टाटा सफारी के इंजन के बारे में, तो आपको मिलेगा 1956 सीसी का 4 सिलेंडर क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 170 पीएस की पावर। आपको मिलेगी 3750 आरपीएम पे, और टॉर्क की बात करें तो मिलेगा 350 एनएम का टॉर्क 1750 से 2500 आरपीएम के बीच। दोस्तों, चलते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दोस्तों, आगे चलते हैं ब्रेक्स और टायर्स के ऊपर। तो ब्रेक्स आपको फ्रंट और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, और टायर की बात करें तो मिलेगा 235/60 के R18 वाले अलॉय व्हील्स, और स्पेयर टायर में आपको मिलेगा R16 का नॉर्मल व्हील। लास्ट में बात करते हैं टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको मिलेगी 50 लीटर की टैंक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे बनी रही है हमारे साथ एक टाटा सफारी का बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देखने के लिए, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।